तो भाइयों देखिए, आज की स्वीडियो में बात करने वाला हूँ स्विग के बारे में। जो भाई स्विग में ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ये वीडियो स्पेशली जो न्यू आ रहे हैं स्विगी में, जिन्होंने कभी डिलीवरी कंपनी में काम ही नहीं करा। डिलीवरी कंपनी क्या स्थिति होती है, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा टाइम परफेक्ट होता है, ज्वाइनिंग फीस क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या होगी, आईडी कहाँ से एक्टिवेट होगी, एक ऑर्डर का कितना मिलता है, इंसेंटिव कितना होता है, डेली कितना कमा सकते हैं, वीकली कितना कमा सकते हैं, मंथली कितना कमा सकते हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। इस टाइम 2024 जुलाई में फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी या जोमैटो में आप काम करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, कौन सा टाइम परफेक्ट है, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। प्लीज वीडियो को छोड़ के मत जाना, कहीं दूसरी वीडियो का टाइम बहुत कीमती है। एक बार भाई ने आपको बता दिया तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि आपके लिए सही है या गलत है। तो प्लीज चैनल पर अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले अहम चीज जो है वो आपका टाइम, कि अगर आपको कम टाइम में ज्यादा पैसा जिस कंपनी से मिलेगा वो कंपनी आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगी, और जिस कंपनी का कस्टमर सपोर्ट बेस्ट होगा वो कंपनी भी बेस्ट होगी। तो हम बात कर लेते हैं, देखिए स्विगी या जोमैटो दोनों कंपनी लगभग सेम है, दोनों ही कंपनी का जो रेट कार्ड है थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कस्टमर सपोर्ट भी सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बस कुछ लोग जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस स्विगी से मिलता है, यानी कि जिनकी अच्छी अर्निंग स्विगी से हो जाती है वो स्विगी को अच्छा कह देते हैं, जिनकी अर्निंग जोमैटो से अच्छी होती है वो जोमैटो को अच्छा कह देते हैं। मेरा ओपिनियन ले लेंगे तो भाई कंपनी कोई भी अच्छी नहीं है, हर कंपनी अपने फायदे के बारे में सोचती है। अगर आप गलती करेंगे तो ना तो स्विगी आपको बख्शेगी ना जोमैटो आपको बख्शेगी, सीधा उठा के आप पे पेनल्टी लगा देगी, चाहे आप 10 दिन पुराने हो या 10 साल पुराने हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा टाइम उसमें ज्वाइनिंग करनी चाहिए। ज्वाइनिंग के लिए देखिए परफेक्ट टाइम उसमें पार्ट टाइम, पार्ट टाइम में ऐसा है कि अगर आपको शाम को 6 बजे से 7 बजे तक अगर आप काम करेंगे तो वो टाइम परफेक्ट होता, आइडियल होता, उस टाइम में कंपनी आपको इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव अगर आपको मिलता है तो काम करने का बेनिफिट है, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अब आपको किस तरीके से रेट कार्ड होता, कितना इंसेंटिव, कितनी मतलब कितनी अर्निंग पर कितना इंसेंटिव मिलता है, कितने प्रकार का इंसेंटिव होता है, सारा मैं आगे बताऊंगा, बस थोड़ा बने रहिएगा। पहले बात कर लेते हैं इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस की, ज्वाइनिंग कैसे होती है। देखिए ज्वाइनिंग के लिए सिंपली आपको 2 तरीके हैं इसमें, ऑनलाइन भी प्रोसेस है, ऑफलाइन भी प्रोसेस है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग अभी बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ऑनलाइन में इस टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन जाइएगा। ऑफलाइन जाने के बाद यानी कि ऑफिस में जाने के बाद पूरी जानकारी उनसे जुटाने का, पूरी जानकारी के जुटाओगे तभी आगे काम करने में मजा आएगा, नहीं तो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलने वाला। तो ज्वाइनिंग फीस स्टार्टिंग में आपको 400-500 रुपए अप्रोक्स, आप 500 रुपए जो है लेके जाइएगा, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, आरसी, इंश्योरेंस, अदर भी कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको लगता है ले जाना जरूरी है, और हाँ सॉरी अपने 2 फोटो या 3 फोटो भी साथ में रख के लेके जाइएगा। तो वहां पर आप जब जाएंगे तो आपकी वहाँ अगर वैकेंसी होगी तो तुरंत आपकी जो है आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपको 2 टी शर्ट 1 बैग दे दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग हो क्योंकि सिटी वाइज में ये थोड़ा बहुत बदलाव कर देते हैं। जब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है तो उसी दिन से आप ऑर्डर मारना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ज्वाइनिंग कैसे कैसे होती है तो भाई इसके लिए सिंपली देखिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, ऑफिस से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब जो मेन मुद्दे की बात है मैं वो करने वाला हूँ कि एक ऑर्डर पे आपको कितना पैसा देती है कंपनी। देखिए एक ऑर्डर पे आपको कंपनी 20 से 25 रुपए देती है, जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपको इंसेंटिव मिलेगा जो हम आपको आगे बताने वाला। अब पर किलोमीटर कितना मिलता है तो देखिए साइकिल और बाइक का रेट कार्ड अलग अलग होता है, कि साइकिल का अगर आपको 3 किलोमीटर का अंदर 3 किलोमीटर का अंदर का ऑर्डर है तो कंपनी आपको उस पर 20 रुपए 15 रुपए 25 रुपए देगी, जो आपकी आईडी पे निर्धारित होगा। एक चीज मैं और भी बता देता हूँ भाई, देखिए इसमें कई प्रकार की आईडी होती है, टैप आईडी भी होती है, नॉर्मल भी आईडी होती है और अदर भी आईडी होती है। तो जब आप वहां जाइएगा ऑफिस में तो आप किसी भाई से किसी राइडर से मिलकर जरूर जाइएगा, उनसे एक्सपीरियंस लेके जाइएगा कि उनकी आपके जोन में इस जोन में कौन सी आईडी पे काम करना बेहतर है पार्ट टाइम के लिए। जब जब आप स्विगी ऑफिस में जाइएगा तो उनसे बोलिएगा मुझे टेम्प आईडी या नॉर्मल आईडी या अदर आईडी बनवानी है जिसमें मुझे ज्यादा अर्निंग हो सके, ज्यादा ऑर्डर मिल सके। ये नहीं कि बस आप अंदर घुस गए ऑफिस में और बोला कि भैया मेरी आईडी बना दो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप ज्वाइनिंग के लिए जाए ऑफिस में
किसी भी स्विगी राइडर से मिलो, उससे रेफर लो, यानी तो आपको मालूम है कि स्विगी में एक बेनिफिट और भी है, जैसे कि सब जोमेटो में भी है, अदर सभी कंपनी में है, रेफरल के थ्रू ज्वाइन करना। अगर आप किसी रेफरल के थ्रू ज्वाइनिंग करेंगे तो जो आपको ज्वाइनिंग कराएगा उससे भी बेनिफिट है, और जब आप ज्वाइनिंग करने के बाद जो आपको एक टारगेट दिया जाएगा, वो टास्क टारगेट आप 15 से 20 दिन या 1 वीक में आप कंप्लीट करते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। 2,000, 3,000, 5,000 जो भी उस टाइम पर चल रहा होगा। तो भाई देखिए, ऑल ओवर इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दे दी है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसमें रेट कार्ड का, आप इसमें क्या रेट कार्ड है, क्या इंसेंटिव है, और एक दिन में आप कितना कमा सकते हैं, पार्ट टाइम में कितना कमा सकते हैं, फुल टाइम में कितना कमा सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आप बने रहिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ी भी छिलके तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो भाइयों देखिए, जब आपकी स्विगी की आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तो आप अपने स्विगी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आपके सामने आएगा। अब देखिए, रेट कार्ड आपको देखने के लिए क्या करना है, वैसे तो देखिए नॉर्मल इस तरीके से होम पेज पे भी आपका रेट कार्ड शो होगा, जिस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर नहीं शो होता है तो आप कैसे देख सकते हैं, नॉर्मली आप मोर में जाएंगे, मोर में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा वे टू अर्न, यानी कि ऊपर से दूसरा प्रोफाइल के नीचे, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पूरा रेट कार्ड दिखाएगा, रेट कार्ड पे क्लिक करेंगे। रेट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा एक ऑर्डर का कंपनी आपको कितना पैसा देगी। जैसे कि मैंने बताया था 20 रुपए भी नहीं दे रही, 15 रुपए दे रही है। ये इंस्टामार्ट की आईडी है, फूड में इंस्टामार्ट की आईडी, एक ऑर्डर पर 15 रुपए दे रही है, और अगर बारिश होती है तो कंपनी जो है 25 रुपए प्लस में देगी, यानी कि टोटल मिलाकर 40 रुपए दे रही है इस आईडी पे। 15 रुपए ऑर्डर के हैं और 25 रुपए बारिश के हैं, तो टोटल मिला के एक ऑर्डर की जो अर्निंग है अभी इंस्टामार्ट पे वो 40 रुपए है। मुंबई सिटी का ये रेट कार्ड है भाइयों। अब इसी तरीके से अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंसेंटिव। इंसेंटिव के लिए पहले पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, इसमें दो तरीके का इंसेंटिव है। पहला इंसेंटिव है इसमें 18 ऑर्डर कम्प्लीट करते हो तो 775 रुपए मिलेंगे, 21 ऑर्डर कम्प्लीट करोगे तो 900 रुपए मिलेंगे, हाईएस्ट अगर आप 42 ऑर्डर कम्प्लीट कर देते हो तो कंपनी आपको 1840 रुपए देगी। भाई ध्यान सुनना, का एक दिन की अर्निंग है कि अगर 42 ऑर्डर आप कंप्लीट कर दे तो किसी तरीके से 24 घंटे में 12 घंटे में वो आप पर डिपेंड करता है, तो आप 1840 रुपए की हाईएस्ट अर्निंग कर सकते हैं मुंबई सिटी में। ये मुंबई सिटी में मैं आपको रेट कार्ड दिखा रहा हूँ। उसी तरीके से अगर मुंबई सिटी में इंस्टामार्ट की जो ये आईडी है बाइक की, इसी आईडी पे तो दूसरा इंसेंटिव है, वो है आपका 685 रुपए का हाईएस्ट। अगर आप 685 रुपए का काम करोगे तो 490 रुपए आपको मिलेंगे। तो देखिए, और मिनिमम अगर आप 330 रुपए का काम करते हो तो 270 रुपए मिलेंगे। तो भाई देखिए, इस आईडी पे टाइमिंग क्या है, ये जो मेरी आईडी है दोपहर 1 बजे से रात 2 बजे तक, यानी कि दोपहर 1 बजे आप लॉग इन करते हैं और रात 2 बजे तक आप काम करते हैं, और इस टाइमिंग में अगर आप इतना काम करते हैं कम से कम 330 रुपए पे 270 रुपए और हाईएस्ट 685 रुपए पर 490 रुपए आपको कंपनी देगी। और दूसरे इंसेंटिव में अगर आप ये वाले इंसेंटिव के अनुसार काम करोगे 19 ऑर्डर पे 775 रुपए और 42 ऑर्डर पे 840 रुपए कंपनी देगी। तो भाई देखिए, वैसे तो, और इसमें कुछ कंडीशन वगैरह भी होती हैं जो आपको कंडीशन हर हाल में पूरी करनी होती है। 7 से 11 के बीच में आपको हर हाल में लॉग इन करना है और कोई भी ऑर्डर आपको रिजेक्ट नहीं करना। बाकी तो देखिए, समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन चीज थी वो मैंने आपको समझा दी भाई। लेकिन भाई जो मेन चीज थी वो मैंने आपको समझा दी, ये तो जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग करने के बाद फील्ड में उतरेंगे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है जब भी आप सीखेंगे। लेकिन भाई से बराबर कॉन्टेक्ट में रहना, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है भाई से जरूर एक बार हेल्प लीजिएगा, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपको स्विगी में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। और दूसरी बात यह है, देखिए हर सिटी का रेट कार्ड अलग होता है, ये मुंबई सिटी का मैंने आपको दिखाया है। ऐसा नहीं कि हर सिटी में इतनी अर्निंग होगी, बहुत सी सिटी में बहुत ज्यादा भी अर्निंग कर रहे हैं राइडर भाई, और बहुत सी सिटी में भाई बाइक का खर्च निकालना में मुश्किल पड़ रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल नए हो भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।